नमः शिवाय। प्रैक्टिस वर्क के अंतर्गत यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और विशेषण से अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। आप इसको अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिखेंगे। अर्थ के आधार पर सही भेद चुनिए। पहला है, ईश्वर करे तुम्हारा काम बन जाए। यहाँ पर विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसे चुन करके लिखना है। दूसरा है, वह आज शायद ही वापस आए। विकल्प है, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। एक सही विकल्प आप इसमें से चुनेंगे और चुन करके लिखेंगे। तीसरा, अब तुम जा सकते हो। विकल्प है, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और अंतिम है विधानवाचक वाक्य। इसमें से एक विकल्प सही है, उसे चुन करके लिखना है। नंबर चार, वाह, बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है, उसे चुन करके आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के उपयुक्त भेदों को चुनकर लिखो। पहला है, सड़क पर बहुत पानी है। यहाँ पर बहुत को अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, ताजमहल का चबूतरा चौकोर है। ऑप्शन दिया हुआ है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला है, यह चित्र दादाजी का है। ऑप्शन है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर यह को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको पहचानना है कि यह विशेषण का कौन सा भेद है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के विषय में वर्णन करते हुए दादाजी को पत्र लिखो। ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।